शाहिन शाफरी जी को भी आपने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था कि इनकी भी इंजरी की सूरत हाल हो सकती है और इन पर ज़्यादा वर्कलोड जो है वो डाला जा रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं शाहिन शाफरी जी को भी फिर चैंपियंस कप में इंजरी हुई है, फिर उनको आप टेस्ट मैच में आप रेस्ट दे सकते थे और फिर स्क्वाड में शामिल कर लिया। देखिए ये यही तो चीज है, ये ग्लेस्पी वगैरह ये कोच जो है इनको पता नहीं किस लिए यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, या तो चलो पढ़े लिखा बंदा को यूपी सिंह यूनिवर्सिटी के साथ आप क्रिकेट खेली जरूर है, मगर उसको बच्चों को सही तरीके से गाइड करना, फिर जो इनका सारे का सारा जो अपडेटेड नहीं है ना कोचिंग स्टाफ जो नीचे इन्होंने डोमेस्टिक में लगाए हुए वो भी जायज है, जो ऊपर टीम के साथ लगाए हुए वो भी इलिटरेट है, इनको पता ही नहीं चलता जब वो इंजरी अपनी वर्स्ट तरीन सिचुएशन में सामने आ जाती है और फिर एक या दो साल के लिए आपके बॉलर बाहर हो जाते हैं, फिर इनको समझ आती है कि हमसे गलती होगी क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शाहिन का भी यही मैंने इनको बताया था कि उसका जो फ्रंट नी का लिगामेंट था अगर उसको प्री मेच्योर वापस लाया गया प्रॉपर हील ना हुआ तो वो उसको सेव करने के लिए अपने बॉडी के जो दूसरे बड़े मसल है उनको इस्तेमाल करेगा, अपने बाजुओं को यूज करेगा, लिवर को, अपनी कमर को यूज करना शुरू कर देगा और दूसरे एंकल को, अब बिल्कुल एग्जैक्टली वही उससे करना शुरू किया, जल्दी वो वापस आया, इंजरी हील नहीं थी, अब वो उसका जो फ्रंट नहीं था वो शिफ्ट कर गया थोड़ा सा बाहर की तरफ, उसने तेज बॉलिंग कराने के लिए स्पीड उसकी वजह से उसकी कम हो गई, जब थोड़ा सा बायोमैकेनिक ऊपर नीचे हुआ तो उसकी सारा जो तरतीब चेंज हुई तो स्पीड उसकी शटर होकर नीचे चली गई 145 से वो 130-132 पे आ गया, उसको उसने कवर अप करने के लिए अपने जो ऊपर वाले जो लिवर्स थे जिनको बाजू कहते हैं उनको तेज मूवमेंट देनी शुरू कर दी, मगर इस तरीके से आपकी कॉइल प्रॉपर बनती नहीं ना आप मोमेंटम ना रिदम दे सकते हैं, आपको अच्छे जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है उनके पास जाना पड़ेगा वापस और उनको नॉलेजेबल बंदा है तो उससे रहनमाई लेनी पड़ेगी, फिर जाकर आप मुश्किल 142-143 पर पहुंच सकते हैं, मगर अब वो उसी एक्सेंट से बॉलिंग कर रहे हैं ना उनका इनस्विंग अंदर आ रहा है एंगल में ना उनकी स्पीड डेवलप हो रही है और उसके बाद फिर अगर इसी एक्शन में वो कंटिन्यू बॉलिंग करते रहे तो उनको और डिफरेंट इंजरीज होने शुरू हो जाएंगी।